श्रीनाथ क्रिएशन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम मलाई पनीर बनाएंगे। ये देखिए एकदम सॉफ्ट और स्मूथ पनीर बना है और ऐसा पनीर अगर आपको बनाना है तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये बनाने के लिए हमें सबसे पहले 1 लीटर फुल फैट मिल्क लेना है। अगर आप बफेलो का मिल्क लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बफेलो के मिल्क में फैट ज़्यादा रहती है। तो अगर आपको पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए और अच्छी वाली चाहिए तो आप बफेलो मिल्क यूज़ कीजिए। आप काउ मिल्क से भी बना सकते हैं लेकिन उसमें पनीर की क्वांटिटी थोड़ी कम निकलती है। तो इसे हमें गर्म करना है और गैस की फ्लेम को हमें फास्ट रखना है और बीच बीच में हिलाना है। जब दूध गर्म हो जाए और उसमें उबाल आने लगे तब इसमें हम 1/4 टीस्पून सोल्ट डालेंगे। सोल्ट ऑप्शनल है लेकिन इससे पनीर का फीकापन चला जाता है। अब इसमें हम फ्रेश मलाई 1 कप डालेंगे और अगर आपको ये नहीं डालनी है तो अमूल फ्रेश क्रीम आप 200 ml का जो आता है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मलाई एकदम फ्रेश यूज़ करनी है। हमारे घर में निकलने वाली लास्ट 1-2-3 दिन की जो मलाई रहती है वही हमें यूज़ करनी है और इसे हमें इसमें डालना है। जब तक मलाई इसमें मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे हमें नॉन स्टॉप हिलाना है। अब हम लेमन जूस लेंगे और उसमें हम थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे। इसे हमें नॉन स्टॉप हिलाते रहना है जब तक कि इसमें हमने जो मलाई डाली थी वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और देखिए मलाई परफेक्टली मेल्ट हो गई है। अब इसमें हमें एकदम चिल्ड वाटर डालना है, वो मैंने 120 ml डाला है या फिर आप 1 कप भी डाल सकते हैं। जब चिल्ड वाटर इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए तब इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस में हमने ऑलरेडी पानी मिक्स किया हुआ है ताकि दूध को शॉक नहीं लगता है और हमारा पनीर एकदम स्मूथ बनता है। और उसके पहले हमने इसमें चिल्ड वाटर डाला था, इसके वजह से भी इसमें जो शॉक लगने का जो प्रोपोर्शन है वो कम हो जाता है। और ये जूस भी हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है और इसे नॉन स्टॉप पिलाते रहना है। फ्रेंड्स, ऐसी छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पनीर बहुत ही अच्छा बनेगा। और ये देखिए हमारा पनीर तैयार हो गया। जैसे ही पनीर फट जाए इसे हमें तुरंत ही निकाल देना है, ज़्यादा देर इसे उबालना नहीं है वरना आपका पनीर चूई हो जाएगा और खाने में मज़ा नहीं आएगी। तो अब इसमें हम कॉटन क्लॉथ रख के स्ट्रेनर से ये पनीर का जो मिश्रण है इसे हम स्ट्रेन कर देंगे और इसमें से जो पानी निकलेगा वो पानी को हमें संभाल के रखना है, फेंकना नहीं है क्योंकि उसके भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये देखिए पानी निकल गया है। अब ये पानी में से रोटी पराठा नान या किसी का भी आटा अगर आपको गूंदना है तो आप ये पानी की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन रहता है और अगर आपको कोई बैटर बनाना है तो उसके लिए भी इसमें आप पानी की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये स्ट्रेन किया हुआ पनीर लेंगे लेकिन ये पनीर में खटाई है, हमने लेमन जूस डाला था तो इसलिए ये खटाई को निकालने के लिए इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जितना भी खट्टापन है ये डाल के हम निकाल देंगे। अब ये पानी को हम अच्छे से स्ट्रेन कर देंगे। ये देखिए ये पानी निकल जाएगा तो इसमें जो हमने खट्टापन डाला था वो सब इसमें से निकल जाएगा और हमारा पनीर अब तैयार होने को आया है। तो इसे हमें पानी इसमें से हमें अच्छे से निकाल देना है, एकदम प्रेस करना है और जितना पानी निकलता है उतना हमें निकाल देना है। फ्रेंड्स, अब पनीर को हम सेट करेंगे और सेट करने का आप प्रोसीजर देखिए। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना है, बाउल के ऊपर हमें स्ट्रेनर जैसा कोई भी बर्तन लेना है और उसके ऊपर हमें एक रिंग रखनी है। जिस जो शेप में हमें हमारा पनीर रखना है वो रिंग रखनी है, उसमें हमें क्लॉथ के साथ ही हमारा पनीर रखना है। पनीर को हमें इसमें अच्छे से प्रेस करना है। ये देखिए परफेक्टली हल्के हाथ से पनीर को हमें एक सरीखा स्प्रेड करना है ताकि हमने जो रिंग रखी थी वो रिंग के शेप में अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए हमने परफेक्टली सेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हम प्रेसिंग के लिए एक डिश रखेंगे जो उसके मेज़रमेंट की है और उसके ऊपर वेट रखेंगे जिसके वेट से इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा
अब इसे हमें 2 घंटे के लिए हमें रेस्ट देना है। आप इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। अब इसे हम 2 घंटे हो गए हैं, निकालते हैं। देखिए इसका शेप परफेक्टली बैठ गया है। अब इसे हम मोल्ड में से निकालने के और हमारा पनीर रेडी हो गया है और इसमें से निकला हुआ पानी नीचे जमा हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पनीर तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ और स्पॉन्जी बना है। फ्रेंड्स अब इसके हम काट के देखते हैं। ये देखिए हमने काटा है, इसमें बिल्कुल भी एक दाना भी निकला नहीं है। इसकी बाइंडिंगनेस एकदम परफेक्ट बनी है और स्मूथ भी उतना ही बना है। और ये पनीर टेस्ट में भी उतना अच्छा है, सॉफ्ट है, मुंह में पिघल जाए उतना सॉफ्ट बना है। आप ये पनीर को आप बिल्कुल ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हम कट कर रहे हैं तभी भी इसमें से एक दाना पनीर भी इसमें से अलग नहीं हुआ है। इसकी बाइंडिंगनेस बहुत ही परफेक्ट बनी है, आप इसे देखिए। और फ्रेंड आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बाहर के मिलने वाले पनीर से भी बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट पनीर बना है। आप इसकी स्मूथनेस, ये सॉफ्टनेस आप चेक कीजिए। ये देखिए एकदम परफेक्टली सॉफ्ट टेक्सचर है और इसमें बिल्कुल दाना दाना नहीं है। आपको ध्यान में ये रखना है, इसे ज़्यादा उबालना नहीं है। इसकी सॉफ्टनेस और स्मूथनेस चेक करने के लिए आप इसे प्रेस कीजिए। देखो एकदम परफेक्टली बैठ जाता है और इसे अगर तोड़ेंगे तो भी इसमें देखो कैसा बाइंडिंग है। हमारा पनीर परफेक्टली क्यूब शेप में हमने कट करके रखा है और ये जितना दिखने में अच्छा बना है, टेस्ट में भी ये इतना ही अच्छा बना है। आप इसे कोई भी सब्ज़ी में यूज़ करें। इसमें दी गई थोड़ी बहुत जो टिप्स है आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, आप बहुत अच्छी पनीर बनाएंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम जो लेमन वाटर डालते हैं वो हमें एकदम धीरे धीरे डालना है। पनीर फटने के बाद इसे हमें तुरंत निकालना है, ज़्यादा उबालना नहीं है। जब भी दूध में आप लेमन जूस डालें उसके पहले आप 1 कप पानी डाल दीजिए। आपका पनीर सेम ऐसा ही बनेगा, ये बहुत ही स्मूथ बना है। पनीर को आप कोई भी सब्जी में डालिए, पनीर को हमेशा लास्ट में ही डालें। ऐसे ही आप पनीर डालिए, 1 मिनट में आप इसे गैस के नीचे उतार लीजिए वरना चुई हो जाएगा। इसमें मलाई डालने से ये सॉफ्ट भी उतना बनता है, स्मूथ भी बनता है और साथ में इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा निकलती है। 1 लीटर मिल्क में से 250 ग्राम जितना पनीर निकला है। मलाई पनीर आप बनाइए और आपके अनुभव शेयर कीजिए।